दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आईफोन में अलार्म कैसे लगाया जाता है। ऐसे तो आईफोन में अलार्म लगाना काफी आसान काम है, लेकिन बहुत सारे आईफोन यूजर्स को अभी तक अलार्म सेट करना नहीं आता है, और जो लोग नए नए आईफोन खरीदते हैं उन्हें भी आईफोन में अलार्म सेट करना नहीं आता है। और दुख की बात यह है कि जिनको भी आईफोन में अलार्म सेट करना आता है उन्हें भी सही तरह से अलार्म के सेटिंग्स के बारे में नहीं जानते है। तो आज मैं इसलिए इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैंने अपने आईफोन डिवाइस में अलार्म सेट करके आपको दिखाऊंगा और अलार्म के सारे सेटिंग्स के बारे में भी आपको समझाऊंगा। तो आप भी अगर आईफोन में अलार्म सेट करना और अलार्म के सेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो मेरा नाम है मिथुन और आप देख रहे डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आईफोन में अलार्म सेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा, और ये एप्लीकेशन जो है आईफोन में डिफॉल्ट रहता है, उस एप्लीकेशन का नाम है क्लॉक। ये जो घड़ी का लोगो आप दिख रहे हैं उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इधर आपको देखने को मिलेगा नीचे अलार्म का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली अलार्म के ऊपर क्लिक करना है। अलार्म के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपको अलार्म सेट करना है तो उसके लिए आपको इधर जो है प्लस के बटन ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है राइट साइड ऊपर कॉर्नर में, ये प्लस के ऊपर आपको क्लिक करना है। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आपको टाइम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि कब आपको अलार्म सेट करके रखना है उसका टाइम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इधर पहले वाला ऑप्शन देख सकते हैं 1:54 यानी कि 1:54 में इधर ऑप्शन दिखा रहा है। तो चलिए मैं आपको इधर 5 बजे का दिखाया, तो इधर पीला वाला का जो ऑप्शन देख रहा है उस पर आप अगर क्लिक करके रख एक बार क्लिक करेंगे तो वो जो नंबर है वो आप चेंज कर सकते हैं। चलिए जैसे 1 इधर लिखा है तो मैं उसको 5 करेंगे, तो 5 के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर हमको 5 बजे ही करना है तो 54 बाजू में देख रहे हैं उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, तो पीला कलर का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको 2:00 डाल देना है। 2:00 डालने के बाद इधर आपको जैसे 5 बजे का टाइमिंग आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद 5 बजे सुबह का रखना है या फिर शाम का रखना है। अगर आपको सुबह का रखना है 12 बजे के रात को 12 बजे के बाद दोपहर को 12 बजे तक का जो टाइमिंग है वो एम होता है, तो आपको अगर सुबह का रखना है 5 बजे का तो एम सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको 5 बजे शाम को 5 बजे का रखना है तो आपको पीएम सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं एम सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा रिपीट, रिपीट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। रिपीट मतलब ये जो अलार्म आप सेट कर रहे हैं कभी के लिए सेट कर रहे हैं, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे आपको कब अलार्म ये सेट करना है वो आपको डेट इधर सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि कौन सा दिन में आपको ये अलार्म सेट करना है। चलिए मैं फिलहाल सिलेक्ट करता हूँ ट्यूजडे सिलेक्ट करता हूँ। तो आप एक साथ में पूरे दिन को भी सिलेक्ट कर रख सकते हैं, अगर आपको मंडे टू संडे जो भी हर दिन आपको सेम टाइम में अलार्म सेट करके रखना है आपको, तो आप पूरे दिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक पार्टिकुलर दिन के लिए ही आपको सिलेक्ट करना है तो आपको सिर्फ एक ही पार्टिकुलर जो डे है वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ट्यूजडे सिलेक्ट कर दिया, यानी कि हर मंगलवार को सुबह 5 बजे जो है हमारे अलार्म बजेगा, तो हम इसको जो है बैक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे लेवल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेवल का ऑप्शन मतलब होता है कि ये जो अलार्म आपने सेट कर रहे हैं आप कुछ भी लिख के रख सकता है कि ये अलार्म आप क्यों सेट कर रहे हैं, क्यों मतलब काहे के लिए आपने सेट किया, कुछ अगर मीटिंग रहेगा, कुछ भी प्लान अगर आपका रहेगा उस टाइम के लिए, तो उधर आपको इधर लिख के रख सकते हैं, ताकि जैसे ही अलार्म बजेगा उस जो भी लिख के रखेंगे वर्ड्स वो भी वो वर्ड्स जो है उधर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपको रिमाइंड करेगा कि किस वजह से आपने अलार्म सेट किया था। तो फिलहाल हम इसको अलार्म ही रहने देंगे, बैक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा साउंड, साउंड पर ऊपर क्लिक करेंगे। साउंड के ऑप्शन पर आपको जो है कुछ रिंगटोन जो डिफॉल्ट आईफोन का है उधर देखने को आपको मिल जाएगा, तो जो भी आपको रिंगटोन सेट करके रखना है इधर एक एक करके आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो रिंगटोन जो प्ले हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा रिंगटोन का कैसा आवाज़ है, कैसा साउंड है, वो आप चेक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा जो ऑप्शन है ये डिफॉल्ट है एपेक्स का, ये ऑप्शन ऑलरेडी हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम सिंपली एक बार बैक करेंगे। बैक करने के बाद इधर आपको स्नूज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आप अगर एनेबल करके रखेंगे तो क्या होगा कि आप अगर अलार्म लगाते हैं किसी भी टाइम के लिए, जैसे मैंने 5 बजे को लगाया, 5 बजे सुबह अलार्म मेरा बज जाएगा, ठीक है, तो जैसे ही 5 बजे का हमारा अलार्म जो प्ले हो जाएगा यानी कि अलार्म जो बजते रहेगा,
और आप अगर जैसे वो जो रिमाइंडर आपके पास आएगा उधर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्नूज एंड स्टॉप। तो आप अगर स्नूज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो 5:09 में फिर से आपको रिमाइंड करेगा कि आपका अलार्म फिर से बजने लगेगा। और फिर से अगर 5:09 को आप अगर फिर से उसको स्नूज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो 5:18 को फिर से जो है अलार्म बजेगा। तो इस तरह से आपको रिमाइंड करेगा, तो इसको आप एनेबल करके रख सकते हैं। और अगर आप स्टॉप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका अलार्म वहीं पर जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। तो इसको भी आप जो है ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। फिलहाल में इसको बंद करेंगे, उसका सेव के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी अलार्म एक्टिव है वो अलार्म आपको इधर देखने को मिलेगा। उसके बाजू में आपको ग्रीन सिग्नल जो लोगो दिखेगा, यानी कि ये जो टाइमिंग है 5:02 को हमारा ये अलार्म जो है बजेगा। और अगर आपको एक साथ में एक ही मतलब अलग अलग टाइमिंग के लिए अलार्म सेट करके रखना है तो फिर से आप अगर प्लस के बटन पर सिंपली क्लिक करेंगे, वही सेम प्रोसेस फॉलो करके आप आसानी से जो है एक बार दोबारा जो है अलार्म का जो टाइमिंग है उसको आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं जो ट्यूजडे को ही चाहिए, तो चलिए उसके बाद बैक करेंगे, उसके बाद फिर से सेव करेंगे। तो एक दिन में हमारा अगर एक से ज़्यादा अलार्म का अलग अलग टाइमिंग में अलार्म सेट करना है तो इस तरह से आप जो है उसको सेट कर सकते हैं। चलिए अब आपको बता दें कि ये जो अलार्म हमने सेट कर लिया इसको बार बार हम कैसे चेंज कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए ये जो ट्यूजडे को हमने सेलेक्ट करके रखा है, इसको हमको थर्सडे को भी करना है और अलग टाइमिंग में करना है। जैसे 5:00 का टाइम हमने सुबह रखा था तो हम लोग को ट्यूजडे और वेडनेसडे को 6:00 का टाइमिंग में करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर से आपको लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे मुझे 5:00 को 6:00 करना है और ट्यूजडे को वेडनेसडे करना है, तो जो भी टाइमिंग को आपको मतलब रिनेम करना है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे फिर से हमारे सामने वही ऑप्शन आ गया, इसको हम इधर से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसको जो 5:00 है इसको 6:00 करेंगे। पहले 5 के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे, उसका 6 पर क्लिक कर देंगे, उसका 0 हम पहले से रहने देंगे, यानी कि 6:00 ही हमें चाहिए। नहीं तो आप इसको चेंज भी कर सकते, जैसे 6:15 कर देंगे। उसके बाद टाइमिंग आप सुबह रखना चाहते हैं या फिर शाम को, जैसे मुझे एम रखना है। उसके बाद आपको रिपीट का ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है। रिपीट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे ये ट्यूजडे को था मुझे वेडनेसडे को करना है, तो हम वेडनेसडे के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। बैक के ऑप्शन पर क्लिक करने के इधर आपको कुछ अगर चेंजेस करना है जैसे लेवल साउंड सूंज ये सब ऑप्शन आपको अगर करना है आप कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। बाकी जो भी है वो ऑटोमेटिक ऐसे जो अलार्म है बजते रहेगा। तो अब सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो 5:00 का टाइमिंग था मंगलवार को वो बुधवार को हो गया, 6:15 का टाइमिंग हो गया। तो इस तरह से आप जो है नए नए अलार्म जो है सेट कर सकते हैं, अलार्म को एडिट कर सकता है। और आपको अलार्म किसी भी सेट करना नहीं सेट करना है तो आपको सिंपली ये जो ऑप्शन को ब्लू ग्रीन कलर का जो ऑप्शन दिख रहा है उसको आपको डिसेबल कर देना है। नहीं तो ये उसी टाइम में हर दिन जो है आपको बजते रहेगा। जैसे ट्यूजडे को हमने सेलेक्ट करके रखा था 1:58 को, तो हर ट्यूजडे को 1:58 में ये जो अलार्म हमारा बजते रहेगा। तो ऊपर का भी हमने अगर इसको चालू रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो इसको बंद कर सकते हैं। और अगर आपको अलार्म सारे डिटेल्स जो है डिलीट करना है, आपको कुछ भी अलार्म नहीं रखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से आपको लेफ्ट साइड ऊपर जो कॉर्नर में एडिट का ऑप्शन है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो माइनस का रेड कलर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिलीट का ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। सेम उसी तरह से इसको भी इधर से जो है डिलीट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आपके आईफोन डिवाइस में जो है अलार्म सेट कर सकते हैं। अलार्म का जो सेटिंग्स है उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगा, और इस जानकारी से जुड़े आपके मन में किसी भी तरह के सवाल या फिर सुझाव रहते हैं तो आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नए नए ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।